नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक फ्रेश न्यू यूट्यूब वीडियो में। मेरा नाम है निखिल। चलिए चलते हैं कुंडल की तरफ। तो मैं आज जा रहा हूँ कुंडल में, जहाँ की एक छोटी सी पहाड़ी है और मैं वहाँ करने जा रहा हूँ एक मिनी ट्रिक। ये कुंडल जो है ये पलूस तहसील के एंड सांगली डिस्ट्रिक्ट में आता है, जो कि सांगली से 40 किलोमीटर्स की दूरी पर है। यहाँ पर आने के लिए आपको बस या फिर ट्रेन या फिर अपनी खुद की बाइक, सारे ऐसे बहुत सारे ऑप्शन से आप यहाँ पे पहुँच सकते हो। ये सांगली से 40 किलोमीटर्स की दूरी पर है। सो सबसे पहले यहाँ आने के बाद आपको कुछ ऐसा सीन दिखेगा। यहाँ पे एक जैन टेंपल है। यहाँ से अंदर जाते ही आपको एक बहुत ही सुंदर सी मूर्ति देखने को मिलेगी। इस टेंपल के अंदर जाने के बाद आप जैसे ही टेंपल को एग्जिट करके बाहर निकलोगे एंड राइट साइड में देखोगे, तो वहाँ पे आपको दिखेगा पर्वत का एक सुंदर नज़ारा। एक छोटी सी पहाड़ी है। इस पहाड़ी पे ऊपर जाने के लिए सबसे पहले तो सीढ़ियाँ दिखेगी। कुछ सीढ़ियाँ ऊपर चढ़ने के बाद आपको एक टेंपल दिखेगा। वही एक छोटा जैन टेंपल है, जो कि है जरी पार्श्वनाथ अतिशय क्षेत्र कुंडल। यहाँ से जैसे ही आप आगे बढ़ते हो तो वहाँ से शुरू होता है आपका एक असली छोटा सा ट्रैक, दैट इज मिनी ट्रैक टू कुंडल। तो यहाँ से आप आगे जैसे ही चलते चलते एक रोड आपको दिखाई पड़ेगा। वहाँ से जैसे ही आप आगे बढ़ते हो तो आपको ऐसे ही कुछ सुंदर सुंदर नज़ारे दिखेंगे। पास की जो छोटे छोटे फील्ड्स हैं, दैट इज फार्म, और पास के जो विलेज के घर हैं वहाँ, और साथ ही साथ विलेज का भी नज़ारा आपको देखने को मिलेगा। वैसे इस प्लेस की हिस्ट्री को विकिपीडिया पे भी मेंशन किया गया है, जो कि विकिपीडिया पे इसका मेंशन ऐसे है कि ये भगवान महावीर जी एंड भगवान पार्श्वनाथ जी का समोसरण क्षेत्र है। तो अगर आप हिस्ट्री इंथुजियास्ट हो तो मैं आपके लिए विकिपीडिया का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज़रूर दे रहा हूँ। साथ ही साथ ये जो प्लेस है, इसका लोकेशन का लिंक भी आपको मैं दे रहा हूँ, जहाँ से आप इस लोकेशन तक पहुँच सकते हो। तो आगे बढ़ते बढ़ते आपको पहाड़ी के कुछ शानदार प्यारे प्यारे नज़ारे देखने को मिलेंगे। बट एक चीज़ आप ज़रूर नोटिस करोगे कि ये सब जो है पूरा उजला उजला दिख रहा है, बिकॉज मैं जो गया था वो टाइम था कुछ दिसंबर जनवरी के करीब। एंड अगर आप यहाँ पे बरसात के मौसम में जाते हो तो बहुत ही हरा भरा और शानदार नज़ारा आपको देखने को मिलेगा। जैसे ये नीचे वाले फील्ड्स, फार्म्स, खेतों में दिख रहा है, वैसा ही पूरा ग्रीन कलर से ये पूरा पर्वत ढका हुआ होगा। आगे बढ़ते बढ़ते आपको मिनी ट्रैक का अनुभव इसमें ज़रूर होगा। तो आप श्योर रहिए कि आप अपने साथ शूज़ पहन के भी आ रहे हो, वरना जैसे मेरी हुई थी वैसी बहुत ही बुरी हालत होगी, बिकॉज आई वॉज वेयरिंग सैंडल्स, जिसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। और अगर अच्छे ग्रिप वाले शूज़ रहे तो ट्रैकिंग में बहुत मज़ा आता है, बिकॉज ग्रिप पकड़ लेता है अपना शूज़। फिर वहाँ से जैसे ही आप एंड लोकेशन पे पहुँचते हो तो वहाँ आपको दिखेगा एक और छोटा सा टेम्पल, और साथ ही साथ एक खुला मैदान, एंड नेक्स्ट टू इट इज़ एन अनदर टेम्पल लाइक दिस। यहाँ पे अंदर भी एक भगवान की मूर्ति है, एंड ये जो छोटा टेम्पल है ये पूरा स्टोन में बना है। तो इसके अंदर बहुत ही सुंदर सी, मतलब ठंडक थी, और बैठने में भी बहुत मज़ा आया यहाँ अंदर, बिकॉज एग्जर्शन भी हो चुका था इतनी जर्नी के बाद। इसके बाद हमारी शुरू हो गई रिटर्न जर्नी। बट इससे पहले यहाँ पे एक जो छोटा मैदान था वहाँ पे मैंने अपना एक छोटा ड्रोन था मेरे साथ, जो कि DJI का टेलो, वो भी ट्राई किया। बट यहाँ पे विंड्स बहुत ज़्यादा थे और इसके कारण वो छोटा ड्रोन सस्टेन नहीं कर पाया, इसलिए मैंने उसका ट्राई करना छोड़ दिया एंड मैं अपनी रिटर्न जर्नी में आगे बढ़ गया। तो दोस्तों, अगर आप भी कुछ इस टाइप का मिनी ट्रिक प्लान कर रहे हो तो श्योर रहिएगा कि आपके साथ एक पानी की बोतल और खाने पीने के लिए कुछ थोड़ा बहुत सामान हो तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि ट्रैक जैसी चीज़ों में ये चीज़ें बहुत काम आती है। कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो ये डिस्टेंस कुछ 2 किलोमीटर के आसपास होगा, जैसे कि मुझे लगता है। बट आपको आते जाते टाइम बहुत सुंदर सुंदर नज़ारे दिखते रहेंगे, सो आप इस ट्रैक मिनी ट्रैक में बोर नहीं होंगे, इसलिए
ये एक बहुत अच्छा मिनी ट्रैक का ऑप्शन है। जब मैं यहाँ मॉर्निंग में गया था, जब मैं स्टार्ट कर रहा था, तब मैंने देखा कि कुछ डिफेंस के लिए ट्राई कर रहे करने वाले लोग, ओल्ड एज कुछ लोग और बहुत सारे ऐसे लोग जो कि हेल्थ एंथुजियास्ट हैं, वो यहाँ पे मिनी ट्रैक का अनुभव लेने आए थे। अगर आप डिफेंस के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, तब भी आपके लिए ये मिनी ट्रैक फिजिकल एबिलिटीज़ को ट्राई करने के लिए एंड इम्प्रूव करने के लिए बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। सो यहाँ आके इस प्लेस की हिस्ट्री जानने के लिए विकिपीडिया का लिंक और साथ ही साथ इस प्लेस के लोकेशन का लिंक मैं इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन सेक्शन में ऐड कर रहा हूँ, तो वहाँ जाके आप वो चीज़ें चेक कर सकते हो। अगर आपको और भी कुछ इन्फॉर्मेशन जाननी है इस प्लेस के बारे में, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में या फिर इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हो, जो कि आईडी मैंने वहाँ पे मेंशन की हुई है। ये वीडियो आपको कैसा लगा, ये वीडियो के कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो गाइस।